नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश एक बार फिर आप सबका मेरे इस YouTube चैनल नॉलेज सीकर्स पे स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको 3 जून को रिलीज हुई बहुचर्चित फिल्म सम्राट पृथ्वीराज का रिव्यू देने वाला हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप सबसे निवेदन करूंगा कि कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आगे और बेहतरीन वीडियोस के साथ आप सबका मनोरंजन कर सकूं। तो आगे बढ़ते हैं। जब तक अक्षय कुमार हिंदू भारत के सबसे बहादुर योद्धाओं और राजनेताओं में से एक के रूप में तैयार होते हैं और अपने सपनों की प्रेमिका को उसके स्वयंवर से दूर करने के लिए फ्रेम में सर पर दौड़ते हैं, तब तक हमें पता चल जाता है कि इस फिल्म का मतलब सिर्फ बिजनेस है और शायद थोड़ा ज्यादा ही है। यह प्रामाणिक कहानी कहने के संस्कारों में इतना ज्यादा बंधा हुआ है कि यह उस एक चीज के कारण मेन ट्रैक को खो देता है जो इस तरह की फिल्म में अनिवार्य रूप से होना चाहिए, जो है एक आत्मा। सम्राट पृथ्वीराज के इर्द गिर्द सभी राजनीतिक सराउंड साउंड के लिए फिल्म एक हानि रहित लेकिन निरस अवधि के टुकड़े के रूप में सामने आती है, जो न तो अपने स्रोत के साथ न्याय करती है और न ही इसके विषय के साथ। चंद्रप्रकाश द्विवेदी फिल्म सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को पुनर्जीवित करना चाहती है, लेकिन उन लोगों के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं करती है जो राजनीतिक फसल के लिए अतीत को काटना चाहते हैं। द्विवेदी ने मोहम्मद गोरी के साथ पृथ्वीराज चौहान की लड़ाई को सभ्यता के युद्ध के रूप में रेखांकित करने से परहेज किया है। इसके बजाय निर्देशक ने इस तथ्य पर ध्यान केंद्रित किया है कि जब व्यक्तिगत राजनीतिक हो जाता है तो इसके दूरगामी परिणाम होते हैं। पृथ्वीराज के सैनिक बार बार महादेव का आह्वान करते हैं, लेकिन मोहम्मद गोरी के खेमे में कोई धार्मिक आह्वान नहीं होता है। महमूद गजनी के सोमनाथ मंदिर के विनाश का उल्लेख है, लेकिन पृथ्वीराज जल्दी ही एक व्यक्ति को एक धार्मिक समुदाय से अलग कर देता है। धर्म शब्द का उदार उपयोग है, लेकिन पृथ्वीराज और विश्वासघाती जयचंद दोनों इसके बारे में अपना विचार प्रस्तुत करते हैं। अच्छे अर्थ वाले दृष्टिकोण के बावजूद बड़े बजट का उद्यम पृथ्वीराज और गोरी के दिमाग में कोई वास्तविक अंतर्दृष्टि प्रदान करने में विफल रहता है। नहीं, यह बड़े पर्दे पर युद्ध और वीरता की शानदार कविता को फिर से बनाने में सफल होता है। डिस्क्लेमर में कहा गया है कि यह फिल्म पृथ्वीराज रासो पर आधारित है, जो पृथ्वीराज के दरबार में चंद्र बरदाई द्वारा रचित महाकाव्य कविता है। कविता पृथ्वीराज के शासन का एक अतिरंजित विवरण प्रस्तुत करती है और वर्षों से साहित्य के छात्रों के लिए ऐतिहासिक साक्ष्य के एक टुकड़े के रूप में अधिक प्रासंगिक रही है। दिलचस्प बात यह है कि द्विवेदी की लिपि उस पाठ्यक्रम का एक पाठ है जिसने उन्हें प्रेरित किया है, इसलिए मोहम्मद गोरी के साथ 22 लड़ाइयों या झड़पों या पृथ्वीराज के लिए संकेत के रूप में काम करने वाली जलवायु कविता का कोई संदर्भ नहीं है। मजे की बात यह है कि जयचंद के राजनीतिक उद्देश्यों और पैतृबाजी की खोज करने के बजाय द्विवेदी 12वीं शताब्दी में लैंगिक समानता के लिए प्लॉट बनाने में बहुत समय लगाते हैं और शायद कहानी में सती जौहर प्रकरण को ऑफसेट करने के लिए ही ऐसा किया गया है। पटकथा में इतिहास के निशान की तलाश करने वाले के लिए अंतिम हिंदू राजा, जो कि पोस्टर में पृथ्वीराज के लिए इस्तेमाल किया गया शीर्षक है, का गुजरात में चालुक्य और बुंदेलखंड में चंदेलों के साथ लड़ाई का कोई उल्लेख नहीं है। एक बूंदू के बाद द्विवेदी ने जो श्रम साध्य शोध करने के लिए जाने जाते हैं, इतिहास किंवदंतियों और वर्तमान राजनीतिक आख्यान के बीच संतुलन खोते हुए प्रतीत होते हैं। वह 12वीं शताब्दी में स्थापित एक कहानी में हिंदुस्तानी भावना का आह्वान करता रहता है, जब देश को राज्यों में विभाजित किया गया था जिनके लिए उनका स्वार्थ सर्वोपरि था। फिर एक दिलचस्प बात में गोरी अपने गुलाम से कमांडर बने कुतुबुद्दीन ऐबक से पूछता है, क्या चार भारतीय एक साथ खड़े हो सकते हैं? ऐबक तभी कहते हैं जब उन्हें पांचवे को अपने कंधे पर उठाना होता है। हालांकि द्विवेदी की पैनी नजर किलो और महलों की वेशभूषा और प्रोडक्शन डिजाइन में आती है, लेकिन युद्ध के दृश्यों में शायद ही ऐसा कुछ है जो हमने बॉलीवुड के युद्ध के मैदानों में पहले नहीं देखा। गुरीदों की रणनीति और प्रेरणाओं में शायद ही कोई ऐसी अंतर्दृष्टि है, एक पंक्ति के अलावा, जिसका अर्थ है कि हिंदुस्तानी अपनी मातृभूमि से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए उन्हें जीतने के लिए धोखा देना पड़ता है। चाणक्य निर्देशक का व्यावहारिक दृष्टिकोण पृथ्वीराज और संयुक्ता के बीच कलातीत प्रेम कहानी के रास्ते में आता है, जो उत्तर भारत की मौखिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। डेब्यूटेंट मानुषी छिल्लर खराब नहीं है, लेकिन उनमें वह करिश्मा नहीं है जो भूमिका की मांग करती है। ब्रज का स्वर, जिस बोली में चंद बरदाई ने लिखा था, वह संगीत संवाद और उच्चारण में गायब है और बातचीत में उर्दू का उदार उपयोग परेशान करने वाला लगता है।
मुख्य भूमिका में अक्षय कुमार निराश है। अपनी बॉडी लैंग्वेज और पंजाबी लहजे को टोन करने के लिए कुमार ने अपनी बहुत सारी ट्रेडमार्क ऊर्जा खो दी है और प्रसिद्ध शासक की भूमिका निभाने के लिए आवश्यक गुरुत्वाकर्षण विकसित नहीं कर सके। वह उस शेर की तरह गुर्राता है जिसने अपना दंश खो दिया है और तमाम एयर ब्रशिंग के बावजूद उस लड़के की तरह नहीं दिखता जो 20 के दशक में सम्राट बन गया था। राजेंद्र गुप्ता, मनोज जोशी, ललित तिवारी और आशुतोष राणा जैसे अनुभवी सहायक अभिनेताओं की मौजूदगी उनकी सीमाओं को और अधिक स्पष्ट करती है। अगर अक्षय ज्यादा होश में है तो संजय दत्त पीरियड से बेखबर रहते हैं और कोर्ट कचहरी के दृश्यों में झकझोर देने वाला प्रभाव पैदा करते हैं। बीच बीच में सोनू सूद गाथा गीत के रूप में सीधे चेहरे के साथ अपनी पंक्तियों को कहने की बहुत कोशिश करते हैं और नायक के लिए गाना जारी रखते हैं। शुरुआत में मानव गोरी आभा को जीवंत करता है लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है वह भी एक ओवर ड्रेस कार्डबोर्ड के रूप में सिमट जाता है। लगता है इस बार कोई भी चांद वरदाई इस पृथ्वीराज को नहीं बचा सकते हैं। इस फिल्म को न चाहते हुए भी मैं 5 में से 2.5 स्टार ही दे पाऊंगा। तो आज आप सबसे इजाजत ले रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। कमेंट में जरूर लिखें ये वीडियो आप सबको कैसा लगा और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह फिल्मी जगत की रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे। जय हिंद और जय भारत।